जोधा अकबर के सभी एपिसोड देखें बिल्कुल मुफ्त, कभी भी, कहीं भी, केवल Z5 पर। जोधा अकबर। बा अदब, बा मुलाहिजा होशियार, दिल्ले इलाही, शहंशाह हिंदुस्तान, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। जोधा ने आमिर को सुरक्षित रखने का रास्ता चुना है, वो इस विवाह के लिए मान गई। जोधा क्या कर रही है? अब हमारी गिरफ्त में थी। खैर, हमने आपको माफ किया। छल छल, यहां पर भी छल, हर बात में छल। छल कहते रहे तो और कुछ भी आता है आपको? मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है जोधा बेगम। आपके घावों पर ये लेप लगाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, लगा दीजिए। अगर आप अपने हमसे खफा हैं जोधा बेगम, तो अभी आपको विश्राम करने की आवश्यकता है, सो जाइएगा। जब तक आप हमें माफ नहीं करते थे, हमें चैन कैसे मिलेगा जोधा बेगम? आपको लेप लग चुका है, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। हम चलते हैं। जोधा बेगम, अरे संभल के। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आप ही ने तो कहा था हमें सुनना तो दूर की बात है, आप हमारी ओर देखना भी नहीं चाहते कि भले ही हमारी आंखें बंद हो जाएं, परंतु आप हमारी ओर पलट कर नहीं देखेंगे। आप ही चाहते थे ना कि हम सदा के लिए आगरा और आपको छोड़ते रहो, तो अब हमें जाने दीजिए। तुम सबको जाने नहीं देंगे। हमेशा जिद करती आई है, अपनी जिद के सामने सब कुछ झुकाती आई है, लेकिन इस बार हम आपको आपकी जिद करने नहीं देंगे। अब मानते हैं जोधा बेगम कि हमने कहा कि हम आपको देखना नहीं चाहते, आपको सुनना नहीं चाहते, लेकिन सच यही है जोधा बेगम कि हम जब भी आंख बंद करते हैं, हमें सिर्फ आपका चेहरा दिखाई देता है। सच यही है जोधा बेगम कि हम हर वक्त आपको सुनना चाहते हैं। सच यही है जोधा बेगम, फिर चाहे हम कुछ भी कहें, फिर चाहे यही क्यों ना कहें कि हम आपसे नफरत करते हैं, लेकिन सच ये है, अल्लाह कसम, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। और सच यही है जोधा बेगम, किसी ने भी एहसास है सिर्फ आपने हमारे सीने में दिल जगाया है जोधा बेगम, आपको कोई हक नहीं है इसे तोड़ कर जाने का। जोधा बेगम, अगर आप चले गए तो हम भी, हमें आपकी जरूरत है जोधा बेगम।
और ये आपके शहंशाह का हुक्म है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। अब हमारा एक दूसरे से ही वजूद है, आपके बिना हम नहीं और हमारे बिना हम नहीं। कभी शहंशाह को समझना कितना कठिन हो जाता है ना। क्या समझना? यही कि वो कब क्या सोचते हैं। जहाँ न्याय की बात होती है वहाँ पर कोई संबंध किसी भावना को बीच में आने ही नहीं देते। ये तो सही कहा जोधा आपने, एक महान शहंशाह की यही निशानी होती है। परंतु इस बार हमें इस बात का संतोष है कि उन्होंने हमारी बात को समझा और बख्शी बानू को अपना लिया। इस समय बख्शी बानू को परिवार की बहुत आवश्यकता है। और कहीं न कहीं ये बात भी सिद्ध हुई कि शहंशाह बाहर से कितने ही कठोर बन जाए पर कहीं न कहीं उनके मन में कोमलता छिपी हुई है। कोई स्वप्न में भी इतना हठी कैसे हो सकता है। हमें तो विश्वास ही नहीं होता। वहां पर भी अपना आदेश दे डाला हमें कि आप नहीं जा सकती हैं और हमारा हाथ पकड़ लिया। फिर जब हम होश में आए तब भी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा ही हुआ था। क्या कर रही मोती हमारे? क्यों नहीं कि आप यहाँ पर हैं? हमने से मना किया था आपको बताने के लिए और आप चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। और सपने में आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था। शहंशाह ये बिल्कुल उचित बात नहीं है। छिपकर किसी की बात सुनना चोरी होती है। हमने कोई चोरी नहीं की जोधा बेगम। परंतु फिर भी आपको हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। नहीं सुनते। अगर हमारे बारे में बात ना हो रही होती तो चूंकि ख्वाब हमसे जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में जानने का हमें पूरा हक है जोधा बेगम। नहीं, ये हमारा निजी स्वप्न था। कमाल की बात है जोधा बेगम, अपनी निजी बात आप अपनी सहेली को बता सकती हैं लेकिन अपने शौहर को नहीं। फिलहाल आपसे इजाजत चाहते हैं। शहंशाह आप हर समय कितनी हड़बड़ी में रहते हैं। शहंशाह कहना है कि जो तारीफ के काबिल है वो है, उस लिहाज से हम कहेंगे कि गला पे बेहद खूबसूरत लग रहे थे मगल लिबास में। शहंशाह अब हमें ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। जोधा अकबर के सभी एपिसोड देखें बिल्कुल मुफ्त कभी भी कहीं भी केवल Zee5 पर।